बैनी ये बात तो यार तू मानेगा, तू फैन तो तू है, चल दोस्त तो भाई है सब कुछ है, पर दोस्त भी हूँ और ये मैं एडमिट करूंगा, यू आई ऑलवेज सेड दिस टू यू, नंबर वन फैन, आई हैव सेड दिस फ्रॉम डे वन, और इसमें कोई है ही नहीं, हमेशा यही होता है, ऑलवेज सेड दैट, देयर इज नो डिनायल इन दैट। और क्या हो रहा है, तो रोजे शोजे भाई कैसे जा रहे हैं? भाई तैयारी है फुल टाइम, ये बड़ा होता है वैसे। तो तू तू वेखे रोजे हले शुरू होने ने, तो पहला असि फ्रिजा भांडी शुरू कर देने हैं। मैं भी जाके फ्रूट शुरूट ले आंदा ते यार पूरा जनाब अपने आलो जरा ना हेल्थी बनने की कोशिश है। as you know I've been busy, तू चाचू बन गया कल का, तो obviously ओ I'm not really एवरीबॉडी प्लीज शाउट आउट टू बेनी, माशाल्लाह से ये जो है कल जो है ये एक और प्यारी सी बेटी education. के डैडी बन चुके हैं। एंड Yes. माशाल्लाह यू हैव थ्री चिल्ड्रन नाउ मैनी, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील अबाउट इट? Feel normal यार, बल्ले 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 अच्छा यार। देख मेरी अच्छा तेरी जिंदगी में ना, एक हमने एक दोनों बड़ा वी हैड गुड टाइम्स यार। बिफोर होल्ड ऑन, तू एवी कोई उपठी दी गल ना करती सी, इंस्टाग्राम पे गल कर रहे, व्हाट्सएप पे गल कर ओ यार फॉर अ मोमेंट आई फॉरगॉट, नहीं नहीं मुझे पता है यार, रहे। बट आई थिंक मैं अक्सर यही कहता हूँ बिलाल के, ऑब्वियसली फ्रॉम डे वन आई हैव ऑलवेज सेड दिस, और मैं ये भी कहूंगा कि एंड आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स, मोस्ट अंडररेटेड आर्टिस्ट इन पाकिस्तान, अंडररेटेड, बट अल्हम्दुलिल्लाह ऑल प्रेज टू अल्लाह, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल नाउ हु अप्रिशिएटिंग, बट वी बीन सेइंग दिस फ्रॉम 2010, वुड यू एग्री? भाई 2010 से आप तो कह, 2011 एक सेकंड, आपसे किसी तरह से हम कह रहे हैं, तकरीबन 2011 से कह रहा हूं, ओए ये लो मेरा आपसे पूरा कोट, आपसे मेरी शादी किसी देख। आपसे किसी ने कहा आप तकरीर करें, आप ये बताएं मेरा ये काम, वो? मेरा काम बनता है यार, थोड़े से ना भाई की तरह सपोर्ट करूं। चलो ओए देख साडे हालत की हाँ होई है, साडे बाला दी, सो अच्छा व्हाट्स सही, कौन की हो रहा है वैसे, व्हाट्स कुछ नहीं व्हाट्स यार, व्हाट, रमजान, मैंने कहा तुझे रमजान की मुबारक दे दूं इसलिए मैंने तेरी कॉल उठाई अल्हम्दुलिल्लाह है। ये मेरे फैंस का टाइम है, एंड यार, तो हम सिंस भी यू आर आपके वन भाईजान, ऑफ द बिगेस्ट फैन, हम भी आपके बहुत बड़े फैन हैं, बस आई एम द बिगेस्ट देखो फैन, इसलिए मैं माय तुम्हें नेम इज कहता हूँ फैन। जब मैं आता हूँ, जब मैं इंग्लैंड आता हूँ ना तो मैं चाहिए मेरी टांगे वांगे दबाया करो, खिदमत किया करो, क्या सर तुम यार किस तरह के। बिलाल जब आप इंग्लैंड अच्छा यार आते हो फैंस की अल्हम्द, कॉल, नो नहीं कहना, नो कहना नहीं यार, नो मोर फ्रेंड्स कॉल, फैंस की कॉल होगी, बाय 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 ओके बाय खुदा बाय बाय। हाफिज, बाय बाय। ठीक है जरा हाथ खोला रखो, फैंस दी कॉल चुक लेने। हाँ जी नेक्स्ट फैन कौन है हमारे साथ, की दी चकी है कॉल, हु इज देयर विद अस राइट नाउ, कौन है भी, कौन है, कौन है भी, कौन है यार? आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कौन मुझसे बात करना ज्यादा चाह रहा है, किसको करनी ही करनी है बात, कौन है जो कह रहा है बात किए बगैर मैंने जाना नहीं है, उससे बात करना चाह रहा हूँ। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप हाउ आर लोग? यू? आई एम ऑल राइट, हाउ आर यू? कहाँ से हैं अगेन आप लोग, कहाँ से बात करी? लाहौर से। आप मुझे भूल गए, आपने मेरी कॉल उस दिन भी ली थी जब आप पिछली दफा अपने फैंस की कॉल ले रहे थे, लाइबा। अच्छा लाइबा, तुम तो बड़ी लकी हो यार, मुझे आपके भाई को देख के लग रहा मैं था कि लकी नहीं हूँ, पहली मैं बार, आपकी फैन बहुत बड़ी हूँ। ये चीज कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है ना हमारा, वेरी यस नाइस। अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हो, सब ठीक ठाक हो? जी। और आपका रमजान करीम कैसा गुजर रहा है, तैयारियां हो गई? हाँ ले तो अभी तो शुरू हुआ है, देखते हैं अब हाँ ना, कैसा मतलब गुजरता है। तैयारियां हो गई, फ्रूट वगैरह तो खरीद साथ ही आपके है, भाई राशन इकट्ठा किया है कि नहीं? राशन कर ले भाई, इकट्ठा जाके फौरन। ये मेरे फियांसे हैं। अच्छा सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं तबसे भाई कह रहा था, पहले ही बताना चाहिए था। अच्छा ये आपके फ्यांसे हैं, वेरी नाइस। तो फिर रोजों की तैयारी है, रखोगे रोजे पूरे? अल्लाह वेरी नाइस वेरी नाइस। तो लाइबा तुम तो मुझे बड़ी यंग लग रही है यार, तुम लोगों ने इतनी जल्दी कैसे एंगेजमेंट कर ली, ये क्या चल रहा? ये तो पता क्या, ये होती है नसीबों के चक्कर होते हैं, ये स्टार्स होते हैं। अच्छा, स्टार्स ये ना ये है, इनकी तरफ से बचपन का लव हूं ना मैं इनका। इनकी तरफ से। अच्छा इनका नाम क्या है जनाब का? अहमद
अहमद को भी बात करने तो लाइवा, तुम अभी से उसको बोलने नहीं दे रही हो, उसको तो बात करने दो। वो शर्माती है, उनको पता है, और पता है वो स्पोर्ट भी करते हैं। मैं उनको कहती हूँ मुझे बिलाल सिद्ध बहुत पसंद है, वो मुझे आपके गाने सेंड करेंगे और टेक्स्ट लिख के आपके गानों की सेंड करेंगे। वाह वाह, अहमद साहब तो बड़े अच्छे हैं फिर। और ये पीछे कौन है? हेलो क्यूट लिटिल बॉय। अच्छा लो जी, सारे शर्मा आ रहे हैं मुंडे। नहीं नहीं वो आ गया। अहमद साहब सुना है, बड़ा ख्याल रखते हैं यार आप लाइबा का, और बड़ी अच्छी बात है। तो ये सही कह रही है आप, बचपन का आपका ये लव था क्या? थोड़ा सा तो स्टोरी सुनाओ। कजिन भी है ना? आप अपनी अच्छा अच्छा बेगम रखते हैं तो हम भी रख लेंगे, तो इसमें क्या है। रखना चाहिए। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। और जरूरी है यार, जितना हो सके एक दूसरे का ख्याल रखो, और इसी का नाम जिंदगी है। बिल्कुल। बाकी ये है कि मैं आपको एज अ एल्डर ब्रदर होने के नाते एडवाइज ये करूंगा कि देखो, तुम लोग एक दूसरे के साथ बिल्कुल वैसे रहो जैसे तुम लोग जेन्युइनली हो। एक दूसरे को खुश करने के लिए कभी भी फेक बनने की कोशिश ना करो, तो तब तुम लोगों को हमेशा अच्छा लगेगा एक दूसरे के साथ। तुम दोनों के बीच में इतनी दोस्ती होनी चाहिए कि तुम लोगों को लगे ही ना कि किसी दोस्त की जरूरत है। अगर आप लोगों के दोस्त नहीं है तो वो दोनों के दोस्त होने चाहिए, मिलके एंजॉय करो लाइफ, है ना? This is how it should be. चलो, मेरी मैरिटल एडवाइजेस यहाँ पे खत्म होती हैं। मैं आपकी काउंसलिंग जो है वो बंद करता हूँ। And I'll go and I'll speak to some more people. Ahmed and Laiba, all the very best. God bless you too. Enjoy so much. Thank you. Bye. Stay blessed. जी ये थी लाइबा और अहमद, इनके फैंस। यार लाइबा सीम्स लाइक अ प्रॉपर लॉयल फैन, और आई नो और भी बहुत सारे ऐसे कुछ मेरी नजर से लोग गुजरते हैं जो हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड आई वुड लव टू टेल यू गाइस, डोंट कंसीडर कि ऐसा कोई सीन है कि मैं कोई बंदा हूँ और आप लोग मेरे फैन हैं। आई टेक यू गाइज एज माई ओन पीपल, और आई डोंट रियली फील एनी लाइक मुझे नहीं लगता मैं कोई बहुत सुपीरियर ऐसा कुछ हूँ। मुझे लगता है हम दोस्त हैं, हमारी जो कनेक्शन है ना, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरे फैंस मेरे साथ बड़े नॉर्मली बात कर लेते हैं। दे डोंट फील लाइक ओ हेसिटेटेड, या उनको कभी भी ये नहीं लगता। दे फील वेरी कूल, फोटो बनाते वक्त मेरे शोल्डर पे हाथ रख लेते हैं जैसे मैं उनके साथ ही बचपन से क्रिकेट खेलता रहा हूँ। आई लाइक दिस थिंग अबाउट माई फैंस। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कॉलर। आई थिंक यार ऑलरेडी जरा ना कह रहे होंगे ना मुंडे के सानू मौका नहीं जी ना मिलता। तो लेट्स ट्राई टू स्पीक टू सम अ जेंटलमैन। किधर नल करिए जी गल। मैं मैसेजेस में देखता हूँ कि कौन ज्यादा एक्टिव है। हाँ जी, नेक्स्ट कॉलर कौन है जी, कौन बनना चाहेगा? आप मैसेजेस में अपना अपना जो कमेंट में अपना मुझे मैसेज करें एंड आई विल पिक द नेक्स्ट कॉलर। अच्छा जी, ओके, हियर वी गो अगेन, हियर वी गो अगेन। देखते हैं हमारे साथ कौन है। Connecting. ले जी, भाई जान तो मुझे लगता है शर्मा आ गए हैं, या इनका नेट जो है वो बहुत ही लो था, कोई तो मसला था। I'm gonna go for the next caller. छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे आज। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक यार। आपका नेट मुझे लग रहा है थोड़ा स्लो है, बिकॉज आपकी जो वीडियो है वो रुक जाती है। हेलो सॉरी यार, तुम लोगों का नेट स्लो है, बात नहीं हो पा रही थी। आई एम सॉरी, आई हैड टू ड्रॉप द कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। देखो यार, कोशिश करो जिन लोगों के नेट ठीक है ना,
अगर नेट तुम्हारा ठीक नहीं है तो फिर कम से कम ट्राई टू गो टू अ प्लेस जहाँ पे सिग्नल बहुत अच्छे आते हो, ताकि हमारी बात जो है वो अच्छे से हो पाए. ओके जी, नेक्स्ट कॉलर डॉक्टर साहब है हमारे साथ, इनसे जरा बात करते हैं. डॉक्टर हमजा आई गेस, नहीं हाँ डॉक्टर हमजा मलिक. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, क्या हाल है हमजा साहब? अल्लाह का शुक्र बिलाल भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक. तो आप डॉक्टर हैं? हाँ जी मैं डॉक्टर हूँ. अच्छा, वेरी नाइस. मतलब डॉक्टर बन गए हैं, बन रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे? मैं मेरे 4 मंथ्स रह गए हैं. बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूँ, जो आजकल कोरोना आया है ना उसके इलाज के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ. अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्या बात है. तो चल, कुछ कुछ आपके दिल में तो बड़ा जोश हो रहा होगा कि यार किस तरीके मैं वैक्सीन बना लूं, कुछ कर लूं, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन हो जाए ना. जी है तो, लेकिन क्या करें, हमें इधर इतना कोई सपोर्ट नहीं करता, फैसिलिटीज नहीं है, तो हम कैसे बना लें. अच्छा, तो जो आपके सीनियर्स हैं, व्हाट डू दे से, वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से डील कर रहे हैं इस टाइम पे? मेरे रिसेंटली एक टीचर ने नैनो टेक्नोलॉजी पे वर्क किया है, तो उनकी सोशल मीडिया पे उन्होंने अपना पैगाम जारी किया था कि मैं ऐसे नैनो पार्टिकल्स बना सकता हूँ, अगर वो एक ह्यूमन के अंदर इंजेक्ट करें तो अगर उस ह्यूमन के अंदर कोरोना वायरस जाता है तो वो नैनो पार्टिकल्स उसके साथ अटैच होंगे और उसे किल कर देंगे. तो बट उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सी फार्मास्यूटिकल्स को मैंने मैसेजेस किए, उनको मैंने मेल्स की, बट मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा. तो बस फिर देखें, अब पाकिस्तानी हुकूमत को उनका सपोर्ट करना चाहिए ना, अब वो सपोर्ट ही नहीं कर रहे तो वो अगला बंदा क्या करे. अच्छा, आप एक काम करें ना, आप इनका जो कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह और कोई प्रोफाइल वगैरह मुझे इनबॉक्स कर दें, तो मैं अपने थ्रू आई ट्राई माय लेवल बेस्ट के जो राइट लोग हैं उनके कानों तक ये बात पड़े, और अगर तो वाकई में जो वो कह रहे हैं वो कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है यार. अगर पाकिस्तान से कोई उठ के इस टाइम पे इस कोरोना को, वीडियो भी शेयर करूंगा उनकी, मैं आपको प्रोफाइल भी शेयर कर दूंगा, आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा. मैं आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, मैं वैसे बड़ा छोटा सा बंदा हूँ, लेकिन जहां तक मेरा अगर किसी जगह पे रीच हुई, आई विल ट्राई कि किसी कोई राइट लोगों के कानों तक उनकी बात पहुंचे. सही है, ठीक है. थैंक यू बिलाल भाई. कहां से बात कर रहे हैं हमजा? मैं उकाड़ा से बात कर रहा हूं. अच्छा, उकाड़ा से, वेरी नाइस. बड़े शौकी है मैंने उकाड़ा, पंजाब कॉलेज में कंसर्न होता था तब मैं आता था. हां 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 हां, बिल्कुल बिल्कुल, उकाड़ा के शोज किए मैंने, बड़ा वो. अभी अभी हम सोचते हैं ना, उस टाइम पर जब कॉन्सर्ट्स होते थे तो अभी लग रहा, अच्छा यार दोबारा से कब होंगे, जब आप जाओगे आगे क्राउड होता है, यू नो इट्स डिफरेंट फीलिंग. एक बार मुझे याद है आप सूफा में आए थे उकाड़ा में कंसर्ट करने, तो हमें वहां पे एंट्री नहीं मिली थी, तो फिर आपके पास ब्लैक गाड़ी थी जिसका हमने बहुत पीछा भी किया था, आपको रोक ले, बट फिर आप निकल गए थे. अच्छा अच्छा, ये तो हर शहर में होता था यार. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं समझता हूँ प्यार ही होता है आप लोगों का, लेकिन समटाइम्स ना वो जब गाड़ी के पीछे पीछा कर रहे होते हैं लोग, हालांकि पिक्चर के लिए ही कर रहे होते हैं, पर वो एक अजीब सी फीलिंग आती है. यू फील लाइक कि नहीं यार, निकालो निकालो निकालो. तो तुम्हें पता है वो तो शो होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आउटसाइड आगे से लोग नहीं करते, लेकिन अभी जब हालात अच्छे होते हैं तो कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े शोज हर शहर में उन लोगों को मौका मिले. देखो यार हमजा, आप तो डॉक्टर हो, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी आप अपना शो करें. हाँ जरूर करेंगे, क्योंकि मैं उनके स्टूडेंट हूं. मैं कहना ही चाह रहा था, देखिए अभी अभी क्योंकि मेरी एक एक लड़के से बात हो रही है, जब अच्छे से इसको एड्रेस कर सकते हैं. यार नॉर्मली क्या होता है कि देखो लड़कियां शो पे आती है ना तो कोई मसला नहीं होता, कोई लड़ाइयां नहीं होती. लड़के यूजली आते हैं ना, दे मेजोरिटी नहीं, लेकिन कुछ हमेशा ऐसे होते हैं जो आके शो खराब करते हैं. उस वजह से ही हेसिटेट करते हैं कि यार मैं निकल के लोगों में जाऊं, वरना हमारा भी दिल चाहता है हम आप लोगों को पिक्चर्स दें, क्यों ना दें, बातचीत करें आपसे. तो अब ये आप अपनी जो दोस्त यार हैं इनको एड्रेस करें कि यार आइंदा शोज पे जाना है तो कोशिश करनी है कि कुछ भी जो है ना गड़बड़ ना हो. सही है जी जी. मेरे दोस्त भी बहुत लिमिटेड से हैं, थोड़े से हैं, वो कंसर्ट्स पे मेरे ख्याल से तो वो जाते ही नहीं है. अच्छा अच्छा अच्छा, ऐ भी कोई चंगी गल नहीं है, जाना चाहिए थानू यार, तुम शो तो जाओगे तो शो बन गया. नहीं लेकिन मैं आपके कंसर्ट पे जितनी बार खड़ा हुआ मैं तो जरूर आया हूँ आपके कंसर्ट पे. सो नाइस ऑफ यू हमजा, ऑल द वेरी बेस्ट. खूब अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, इस मुल्क का नाम रोशन करो,
बड़े बड़े काम करो, हमें भी प्राउड हो पाकिस्तान पे। ऑनलाइन क्लासेस के लिए और 4 बजे हम उठते हैं, हमारी तो ये जिंदगी रह गई है। कोई बात नहीं, ये वक्त जैसे वो वक्त नहीं रहा, ये भी रहेगा, अच्छा वक्त आएगा इंशाल्लाह। बस आप दिल लगा के पढ़ें और गेम ऑन करें, सही है? आप करंट टाइम कैसा? ठीक है भाई, एक मिनट मैं स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ, मैं अभी कॉल कट कर। हाँ हाँ, लो लो स्क्रीनशॉट लो। जी ले लिया, थैंक यू। क्या बात है जी, ओके ओके, टेक केयर, बाय, खुदा हाफिज। ये थे जी डॉक्टर हमजा साहब, बड़े जो है ना सुलझे हुए लग रहे थे, बच्चे अच्छे बच्चे लग रहे थे, और होना चाहिए सारे लड़के जो अच्छे बच्चे बन के रहा करो यार, बहुत तुम लोगों की जो है ना वो कंप्लेने आती है। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर यार। वलीद कादर, मुझे चाय पानी का क्या तुम पूछ रहे हो यार? तुम्हें नहीं पता यहाँ पे रोजे शुरू हो रहे हैं, मुझे तुम चाय पानी कर रहे हो। ओके जी नेक्स्ट। बाय द वे, बहुत अच्छी चाय मिलती है, चाय पानी से और भी बड़ी फिट चीजें मिलती हैं। गुलाब जामुन बड़े अच्छे मिलते हैं। आप जब जाएं तो जरूर टेस्ट करें इंग्लैंड में अगर आप जाएं। अगले कॉलर कौन है जी? अगले कॉलर कौन है जी? अगले कौन है? कौन है, कौन है, कौन है जिससे हमारी बात होनी है? लेट्स टेक अ मिनट, फिर करते हैं बात। अब्दुलरहमान साहब कह रहे हैं कॉल पे ले भाई, अबे ले लेता हूँ कॉल पे भाई, क्या हो गया भाई? चलो यार नेक्स्ट कॉल भी उठा ही लेते हैं यार, ठीक हो गया। बिल्कुल बाल भी बना दिया। Sorry, it was not expecting that you're going to take call. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you? I'm absolutely fine. I was not expecting that. Where are you from? Kahan se aap? I'm from I'm from India, from Delhi. Delhi, acha acha. Delhi mein yes, gaya but mainu Punjabi. Par mainu Punjabi aundi hai te I'm in love with your songs. थैंक यू सो मच। तुसी पंजाबी च गल करो, तुसी तुसी अपनी तुहाडी जिहड़ी पंजाबी साडे नाल थोड़ी सारी डिफरेंट है। एक मिनट होल्ड कर सकदी हां? एक सेकंड ली होल्ड। ओके 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 ओके। मम्मा मैं कॉल ते हूं, रुको। आई एम सो सॉरी। आप अपनी मी को बता दें कि आप 2 मिनट बात कर रही हैं ताकि वो परेशान ना हो, कोई काम ना हो। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। अच्छा पहले था, आई लव दैट बारी, इंडिया दे विच बारी बहुत बहुत पसंद कीता गया, कुड़ियां गोइंग क्रेजी। एंड मेरा पंजाबी इंडस्ट्री नाल थोड़ा बहुत ताल्लुक है, ते असी जिहड़े इंडस्ट्री दे लोक आ जदों गल करदे आ ते असी बहुत उहनूं बहुत पसंद कीता। इनफैक्ट द फीमेल जिहड़ी सिंगर सीगी, मतलब फैन, आई लव दैट। हाँ नहीं, मोमना ने भी बड़ा अच्छा गाया, और ऑफ कोर्स मैनू सारे ने जिहड़े पंजाब इंडस्ट्री के लोग पर्सनली मैसेज करके दे ऑल सेड कि यार बड़ा पसंद आया, आई एम ग्लैड कि यू कुड विद द लिरिक्स, स्पेशली लड़कियों को। साहब देयर इज टू मच गोइंग ऑन इन योर बैकग्राउंड, आर यू बिजी? आई एम सो सॉरी, देयर इज एन ओलंपिक्स नेम लूडो इन द हाउस। ओके ओके, दैट्स ट्रू। ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਸੀ ਖੇਡੀਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। लो जी, दिल्ली तो साड़ी गल हो रही थी, मजे की गल मैं ना पूछना भी भूल गया। खैर
तो सी इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. सॉरी आपका इंटरनेट थोड़ा सा मसला कर रहा था तो बात नहीं हमारी हो पा रही थी, दैट्स व्हाई आई हैड टू ड्रॉप द कॉल. आई थिंक लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कॉलर. हु इज द नेक्स्ट कॉलर? ये जिन्होंने मेरा जिलानी रसूल साहब है, इन्होंने जी पोस्टर लगाया हुआ है गाने का. अच्छा जी, अब जो भी मेरे गाने की डीपी लगाएगा ना, अब आई डोंट नो ड्यूरिंग द लाइव सेशन आप कर सकते हैं चेंज के नहीं, लेकिन चांसेस ज्यादा हैं जो कि डीपी लगाएगा गाने की उसकी कॉल उठाने के चांसेस ज्यादा हैं. लेट्स ट्राई दैट. तू जो नहीं. ओह माय गॉड, हाय हाय, हाउ आर यू? I'm fine. How are you, sir? I'm all right. कहाँ से बात कर रही हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि और मैं भी दिल्ली से हूँ. दिल्ली तो तुसी पंजाबी बोल लेंदे हो? नहीं बट मैं आपके सॉन्ग सुनती हूँ. अच्छा, आपको समझ आते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ आ जाता है. नहीं तो पंजाबी फ्रेंड से पूछ के ट्रांसलेट करवा के. वेरी नाइस. तो मैं एक काम करूंगा ना, नेक्स्ट सॉन्ग्स में आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट के उसमें ट्रांसलेशन भी सबटाइटल साथ आए ताकि आपको ज्यादा अच्छे से पता चले मैं क्या कह रहा हूं. तो राशि क्या करती हैं, पढ़ती हैं? मैं जॉब करती हूं, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूं. ओह वाओ, स्मार्ट है आप, इसका मतलब इंटेलिजेंट है. वाह जी वाह. नहीं ज्यादा नहीं. अच्छा अच्छा अच्छा. तो ये बताएं कि आप, मुझे भी अभी मेरी बात हो रही थी दिल्ली में किसी के साथ, वो बता रही थी कि इंडिया में बारी बहुत पसंद की है स्पेशली लड़कियों ने. बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. तो कौन सा वाला पार्ट ज्यादा पसंद आया और क्यों? आई गेस एंडिंग बहुत अच्छी थी और सॉन्ग भी बहुत अच्छा है. अच्छा चलो, वेरी नाइस. आई एम हैप्पी कि यार तुम लोगों को पसंद आ रहा है. मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लगती है कि थ्रू म्यूजिक जब मैं दोनों मुल्कों के लोगों को जोड़ पाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार हमेशा मिला है इंडिया से. अनफॉर्चुनेटली देखो कितनी हैरानगी की बात है कि सिंस द डे वन, जब से 12 साल गाना आया था इश्क बेपरवाह, तब से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर मैं कभी इंडिया आके परफॉर्म नहीं कर सका. मैं आया हूँ लेकिन मैंने वहाँ पे कॉन्सर्ट्स नहीं किए. और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड, जब इंशाल्लाह हालात अच्छे होते हैं तो हम आएंगे आपके लिए परफॉर्म भी करेंगे, फिर शो पे आना, दोस्तों को भी लेके आना. पक्का. राशि तुम्हें बहुत बहुत रमजान मुबारक. और आपको भी. रमजान के बाद फिर ईद भी होती है और ईद पे फिर खूब मजा भी आता है, खाने वाने भी बड़े फिट बनते हैं, तो उसके पहले से इंसान सोच रहा होता है. चलो राशि, तुम अपना ख्याल रखो और लेट्स होप के इंशाल्लाह ये जो कोरोना हमारे सरों पे आ गई जल्दी हमारी जान छोड़े, तो फिर हम नॉर्मल उसकी तरफ आगे बढ़े. ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय. थैंक यू, बाय. ओके जी गाइस, पीछे मुझे आहत की कॉल आ रही है. He needs to speak to me. मैं एक दो कॉल और लेता हूँ एंड देन उसके बाद मैं जो है वो अपनी राह नापते हुए नजर आऊंगा आपको. सॉरी, आहत साहब की बीच में कॉल आ रही है. मैंने रजा को ऑलरेडी बोला है उसको पिक कर दे, लेकिन मेरा भाई जो है ना ये छोटा. नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? चलो टॉप पे जो बंदा है कोई, उसकी कॉल लेते हैं. एक ही टाइम पे दो लोगों को कॉल हो सकती है इंस्टाग्राम पे? लाइक कैन आई पिक टू पीपल? डज इट वर्क लाइक दैट? आई डोंट नो. हाय, कैसे हैं आप? हाँ, हाय भाई, क्या हाल है? वो है हाय,
बिलाल सही, क्या हाल है, कैसे हैं आप? सब ठीक है, पहले मुझसे तो बात कर लो। मेरे दोस्त बात करेंगे, आप कुछ कहेंगे? जी कहाँ से बात कर रहे हो भाई? इंडिया से। इंडिया में कहाँ से? नाम क्या है आपका? बिलाल। सॉरी आपकी आवाज कट रही है। इंडिया में कहाँ से बात कर रहे हैं? बिलाल 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 इंडिया से। अच्छा बिलाल इंडिया से। बिलाल यार बड़ा अच्छा नाम है आपका। जी तो बिलाल साहब क्या क्या करते हैं आप? पढ़ाई। पढ़ाई करते हो, लग रहा है। अच्छा अच्छे हो पढ़ाई में के बस ऐसे ही गुजारा है? बस ऐसे ही यार, बस ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। पीछे मेरे ख्याल में आपके फादर हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं। रमजान मुबारक हो आपको। जी आपको भी। तो तैयारी खूब है फिर रोजे रखने की? जी दादा का नाम सही था। जी बेटा है। क्या नाम है? बिलाल। जी 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 बड़ा अच्छा नाम रखा है आपने अपने बेटे का। जी जी सहाबी के नाम से रखा है। जी जी मेरा नाम भी जो है वो बिलाल ही है, इसलिए मैंने कहा कि इनका बहुत अच्छा नाम है। पापा का दादा का नाम सही है। अच्छा वाह जी वाह जी वाह, क्या बात है। तो बिलाल ये बिलाल कह रहा है कि पढ़ाई जो है वो सही से नहीं करता, आप इसको जरा समझाया करें ना, पढ़ाई तो करनी जरूरी होती है। जी 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 इंशाल्लाह। बिलाल बिलाल ये तुम्हारी शिकायत आ रही है, तुम पढ़ नहीं रहे सही यार, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें दिल लगा के पढ़ना है। जी इंशाल्लाह। चलें अपना ख्याल रखें बिलाल, और आपको भी सर अपना बहुत ख्याल रखें, और अल्लाह ताला जो है वो इस रमजान में हम सब पे बहुत फजल करे, रहम करे। और थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर इस तरह किसी दिन आइए तो बात करो। आइए इंडिया। आएंगे जरूर, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। इज्तिमा में आइए, इज्तिमा में भोपाल। इज्तिमा अच्छा ठीक है, भोपाल आए इज्तिमा पे, ठीक हो गया। मैं करता हूँ अप्लाई वीजा के लिए। स्क्रीनशॉट ले ले अपन। ले 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 ले। ओए बड़े एक्शन मार के स्क्रीनशॉट लिए, हो गया जी। चलो डन है। ओके बिलाल भाई सुनिए तो, आप पाकिस्तान से? जी बिल्कुल पाकिस्तान से, लाहौर से। कभी आइए आप, मुलाकात हुई थी लोगों से। अच्छा कैसा लगा, आप आए थे पाकिस्तान? नहीं नहीं अच्छा 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 वेरी नाइस, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कभी आए ना आप पाकिस्तान आए, कभी देखें, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसा इंडिया, आपको बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे। चले डन 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 है। ओके ओके सर, खुदा हाफिज़। ले जी वैसे जस्ट थिंक, मैं जब इंडिया गया था, मैं आप लोगों को बताता हूँ, लाइक लिटरली मैंने वहां पे जाके देखा और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे जब मैं चंडीगढ़ में रहा था, मुझे लग रहा था मैं लाहौर में घूम रहा हूँ। और आई डोंट नो थ्रू मीडिया जो भी देखे, हमें जो कुछ बताया जाता है वहां पे क्या बताया जाता है, यूजुअली मैं इस बारे में इतना खुल के बात नहीं करता हूँ, बट आई थिंक इट्स जो नॉर्मल लोग हैं उनको पता है कि ये जो पॉलिटिकल डिसीजन है या जो भी है, आई नो हम एक अलग अलग मुल्क रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट स्टिल कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। और इस दुनिया को जितना हो सके एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे नफरत की कोई जगह ना हो, और उसके लिए हम सबको अपना अपना पार्ट प्ले करना बहुत जरूरी है। आई एम गोना टेक द लास्ट कॉलर, उसके बाद मैं आप लोगों से इजाजत इसलिए चाहूंगा बिकॉज आहद मुझे कॉल कर रहा है और मुझे याद है मुझे उसके लिए काम करना है, एंड ही मस्ट बी वेटिंग।
So before I do that, let me connect to the next caller. यार दो कॉलर नहीं एक टाइम पे हो सकते ना, आई गेस नहीं होते होंगे. हेलो हेलो. हाँ जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम. कहाँ से बात कर रही हैं? मैं हिरा हूँ, फ्रॉम पिशावर. कैसे हैं हिरा? हिरा आप हमें अपना कारपेट क्यों दिखा रही हैं? कारपेट अच्छा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. आप कैसे हैं? ठीक ठाक है. मैं भी ठीक ठाक हूँ. आप सुनाए, खैरियत? बिल्कुल खैरियत है. आप बताएं, रोजे रोजे रखने का मूड है आपका? तैयारी है फिर? जी हाँ. आप सुनाए, किधर होते हैं? मैं तो इधर ही होता हूँ. आप किधर होती हैं यार? मैं तो पिशावर में होती हूँ. बहुत गर्मी है, बस मौसम हालात भी बहुत खराब है. आप सुनाए. अच्छा, पिशावर में होती है. थोड़ी सी पश्तो में भी आती है वो, हाल चाल पूछने में. सही है. पता नहीं चाचा क्यों. अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस. तो पंजाबी मेरे गाने समझ में आते हैं लिरिक्स? जी हाँ, आपके सारे गाने मैं शौक से सुनती हूँ. मेरे पास बहुत ज्यादा हैं. क्या बात और अभी है मैं यार, इतनी खुश हूँ, इतनी ज्यादा खुश हूँ. आपको दो तीन बार रिक्वेस्ट भेजी है और